की स्थिति खत्म नहीं हुई है। कोविड-19 को लेकर कैबिनेट सचिव के साथ राज्य के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा प्रदेश के गृह सचिव, एसपी और कलेक्टर शामिल हुए। इसमें रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन और एसएसपीआरएफसीएक भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर एस भारतीदासन ने कहा कि केंद्र के निर्देश को लेकर राज्य सरकार की बैठक के बाद पूरी गाइडलाइन जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी पूर्व के प्रतिबंध लागू रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि दूध, किराना और अन्य सामान की दुकानों को निर्धारित समय तक ही संचालित किया जाएगा। जो पेट्रोल पंप्स है, मेडिकल शॉप्स और जो मिल्क पार्लर है और जो गैस एजेंसी है, वो पूर्व जैसे पूर्व में जितनी भी जो उनको जो टाइमिंग जो दिया गया था उस हिसाब से खुला रहेगी। बाकी सभी जो दुकानें जैसे 4 बजे तक हमने अभी जो एक लिस्ट निकाले हैं उसी बेसिस पे, और कुछ जैसे जो सीमेंट और सरिया दुकानें हैं और जो पंक्चर दुकान वगैरह जो भी है, तो वो 2 बजे या 3 बजे जो लिस्ट के आधार पे वो खुला रहेगा। दुकानों का भी एक निर्धारित समय दिया हुआ है, वो समय के बाद अगर कोई दिखा हम लोगों को घूमते हुए तो उसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ में जो डबल सीट भी जा रहे हैं, एसेंशियल आइटम्स या फिर कोई बुजुर्ग रहेंगे या फैमिली रहेगा, तो हम लोग थोड़ा उसमें नरमी बरत रहे हैं। लेकिन कोई बेवजह घूम रहा है तो उसको बिल्कुल गाड़ी भी जब्त कर रहे हैं और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं।